तो फाइनली गाइस मैंने मेरे गेम के अंदर जो फोर एंड ओवर को भी ऐड कर लिया और साथ ही में मैंने गेम के अंदर जो ऑटो रिक्शा को भी ऐड कर लिया है। चलो मैं आप लोगों को बता दूंगा आप लोग कैसे ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है आप बात करने वाले हैं आज की वीडियो में फोर एंड ओवर के बारे में। तो फोर एंड ओवर हमारी इस बार की अपडेट के अंदर आने वाली है। बाकी अपने गेम के अंदर जो है फोर्ड एंड ओवर पहले भी देखने को मिलती थी जो पुरानी वाली, उसको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो थोड़ी सी नहीं है, थोड़ी सी पुरानी है, थोड़ी सी नहीं है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ऐड हुए, लेकिन फिर भी उसे मॉडिफाई करके नई वाली ऐड की जा रही है। तो यार उसका चीट कोड चेंज नहीं होने वाला, वही 2020 होने वाला है। तो जो अपनी पुरानी वाली है वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि पुरानी वाली और नई वाली में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस उसका फ्रंट का जो है लुक वो चेंज है। बाकी कल की बाकी जो अपनी वीडियो थी उसमें रोहित भाई ने पूछा था ऑडियंस से कि आप लोगों को ऑटो रिक्शा ऐड करवाने की नहीं, तो आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रिएक्शन दिया था। तो आप लोग जो है कमेंट करके बता देना कि आप लोग जो है और क्या क्या ऐड कराना चाहते हो इस बार की अपडेट के अंदर। देखो वैसे तो एक ही चीज़ इस बार की अपडेट के अंदर जो है धीरे धीरे ऐड होगी, इकट्ठी तो चीज़ें ऐड नहीं हो सकती ना, आप लोग भी जानते हो। तो धीरे धीरे सब चीज़ें ऐड हो जाएगी, आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग सोचते हो कि यार मैंने जो कमेंट किया उसके बारे में तो ऐड होता ही नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ऑटो रिक्शा के बारे में बात करते हैं। तो ऑटो रिक्शा अपने गेम के अंदर कन्फर्म हो चुकी है, 90% कन्फर्म हो गई है कि इस बार की अपडेट के अंदर आएगी। मॉडल भी मिल चुका है, बस RGS भाई से देखो अभी फोर्ड एंड ओवर पे काम चल रहा है, हो सकता है कल परसों में उसका आ जाए गेम प्ले, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद अपनी ऑटो रिक्शा को रोहित भाई खरीदेंगे और उसके बाद उसे जो है गेम के अंदर ऐड करेंगे। बाकी यार मुझे अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, पता नहीं इसका वाइट कलर नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे सुपरा वाइट कलर में ही पसंद है। अरे मैं कैप पहन रहा था इतने में इसका गोल्डन कलर हो गया, फिर से ट्राई करते हो, रुको जरा एक मिनट। ये मैंने पहनी, वाइट कर दिया इसको पहले और अब कैप। अरे भाई मैं जैसे ही और कैप पहन के जाता हूँ ना, ये वैसे ही ऑरेंज हो रही है। रुको ये लास्ट टाइम, एक बार धीरे से करेंगे इस बार, ठीक है। सबसे पहले तो अपन इसको वाइट करते हैं, नहीं पहले कैप पहनते यार, अब वाइट करते हैं, अब बैठते हैं। हाँ देखो सुपरा वाइट कलर में कितनी प्यारी लग रही है यार, सुपरा का इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। सुपरा इस माय सेकंड फेवरेट स्पोर्ट्स कार, दूसरे नंबर पे आती है मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स कार में, क्योंकि मेरी पहले नंबर पे तो फेवरेट स्पोर्ट्स कार मस्टैंग है। आप लोगों की कौन सी मुझे कमेंट करके बता देना। चलो मैं आप लोगों को ये नहीं बताता हूँ, मैं अपडेट के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मिशन्स है अपने गेम के अंदर, लेकिन कुछ इतना खास नहीं है, आप लोग भी जानते हो, क्योंकि अपना मिशन तो मेनली एक ही है, मेगा रैंप। फन ट्रैक में बस चार टैंक तो लगे हुए हैं, वैसे अपन खुद भी बना सकते हैं मेगा रैंप, वो अपना ट्रेन वाला फन ट्रैक, उसमें गैस टैंक वगैरह ऐड करके बना सकते हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता। तो मेरे ख्याल से मिशन में ना कुछ अच्छा सा ऐड होना चाहिए, जैसे कि मिलिट्री बेस टाइप कुछ करना चाहिए, कि मिलिट्री बेस में अपन अटैक कर दें, या तो फिर मल्टीप्लेयर मोड होना चाहिए कि अपन अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय कर पाए यार गेम के अंदर, है ना। तो बाकी तो अपना मिलिट्री बेस के बारे में तो छोड़ो, क्योंकि मुझे लगता है मिलिट्री बेस शायद ही ऐड हो पाए इस बार की अपडेट के अंदर, क्योंकि एक बार की अपडेट के अंदर कुछ ही चीज़ें ऐड हो सकती है ना, सारी चीज़ें तो ऐड नहीं हो सकती। अब आप लोग सोचते हो कि मिलिट्री बेस स्कूल वगैरह सब ऐड हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो इन सब बातों के बारे में तो छोड़ो, फिलहाल तो अभी हम लोग जो है मैंने आप लोगों को बता दिए दो चीज़ें तो कन्फर्म हैं, एक तो अपनी मॉडिफाइड फोर्ड एंडेवर और ऑटो 90% कन्फर्म है। मैं आपको कल बता दूंगा कि वो पूरी तरह कन्फर्म हो गया है कि नहीं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय 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 बाय।